हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकों से प्री लोडेड कंटेंट के साथ 8.20 लाख टैब बच्चों को वितरित किए जाएंगे। ये टैब पुस्तकालय की किताबों की तरह जारी किए जाएंगे, जिन्हें विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद वापस लौटाएंगे। वहीं कक्षा बाहर और घर पर भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया कि ये टैब छात्रों को पुस्तकालय की किताबों की तरह जारी किए जाएंगे, जिन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षा के बाद लौटाना होगा। छात्रों को इन टैब के माध्यम से उन्नत शिक्षा मिलेगी। सभी शिक्षा सामग्री एक इनक्रिप्टेड डेटा कार्ड में प्रीलोड होंगे। टैब की बिक्री ना की जा सके, इसके लिए निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। छात्र टैब का उपयोग केवल अपनी पढ़ाई के लिए करेंगे और वे किसी भी अवांछित वेबसाइट का उपयोग नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई और अन्य सामग्री डाउनलोड कर सकेंगे।